राजस्थान में इन दिनों सियासी संग्राम और पक्ष विपक्ष के तकरार पूरे परवान पर है। किसी वक्त में सियासी दोस्त रहे, आज दुश्मन हो गए हैं। इन दिनों भाजपा के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती भी खुलकर सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दरअसल बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के बाद से ही मुख्यमंत्री गहलोत और मायावती के बीच दूरियां बढ़ गई है। पिछले दिनों ये मामला सियासी कटघरे से लेकर अदालत के कटघरे तक पहुंचा। वहीं अब दलितों पर अत्याचार के बहाने राजस्थान की गहलोत सरकार को भाजपा के साथ साथ मायावती ने भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल दौसा में आरोपियों ने एक मूक बधिर बालिका के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की मां ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वो अपने पीहर गई थी और उसका पति दुबई में रहता है। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने पीड़िता को अगवा कर एक धार्मिक स्थल पर ले गए, जहां मूक बधिर की इज्जत तार तार कर दी गई। मायावती ने कहा कि राजस्थान में जिला दौसा के ग्राम बगड़ी की मूक बधिर दलित बालिका के साथ पिछले 4 अगस्त को किए गए गैंगरेप के सभी आरोपी अभी तक भी नहीं पकड़े गए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत है कि वहां की कांग्रेस सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है, जो अति दुखद व अति निंदनीय है। गहलोत सरकार को दलित विरोधी ठहराते हुए मायावती ने कहा कि अतः राजस्थान सरकार से मांग है कि वह अपनी दलित विरोधी मानसिकता व कार्यशैली को त्याग कर गैंगरेप के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाए। महामंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं कर रही है, दुष्कर्म के मामले में आदतन बताकर FR लगा दी जाती है, तो वहीं पैसे लेकर या देकर समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है। दिलावर ने कहा कि 2019 में दलितों पर अत्याचार के 6794 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि 2018 में 4602 प्रकरण दर्ज हुए, जो कि वर्ष 2018 के मुकाबले 47% ज़्यादा थे। वहीं वर्ष 2020 में जनवरी से लेकर जुलाई तक 4998 मुकदमे दर्ज हुए हैं। बहरहाल मायावती दलित विरोधी और बिगड़ी कानून व्यवस्था के बहाने गहलोत सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। ऐसे में मायावती को भाजपा का साथ भी खूब रास आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या ये साथ आगामी दिनों में कोई नए समीकरण बना पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।